ले ले मुर्गी कौन अंसार से। अंसार भाई, अंसार जोलाहा तो अंसार काहे का है तुम? ये उसका नाम अंसार है। अंसार उसका नाम है। हेलो गाइस, ये है मदरसा, ये बुड्ढे का मदरसा है। बुड्ढा इसमें पहले स्कूल पढ़ता था, अभी बड़ा हो गया है, नौकरी करने लगा है। और ये इसका ये पूरा वादी इसी का है। ये वादी जो पहाड़े आप देख रहे हैं वो दूर तक, वो सब मेरे बुड्ढे का है। और बुड्ढा ये है, ये बुड्ढा है, आज ये नौकरी कर रहा है। इसको सब लोग मार के भगा दिए। अभी तो थोड़ा बचा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ईंटे उटे गिरा दिए हैं सब लोग इसके। ये ईंटे, ये पूरा खंडर, क्या बोलते उसको, खंजर, खंजर क्या, खंडर हो गया, खंडर। ओके गाइस, तो मेरे बुड्ढे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बेचारा बुड्ढा, कितना साल हो गया सऊदी में चाचा? 50 साल। 50 साल हो गया, 50 साल, 50 साल हो गया है। 50 साल से अभी तक यही है। ये देखो पुरानी हवाले, पुरानी हवेली। अरे इसी में मैंने बैठता था, इसी में इसका वो था, मजलिस था, यानी बैठक बैठक होती थी। राजा महाराजा से ये बिलोंग रखते हो ना। तो गाइस, ये अभी ड्राइवर हो गया है, बेदर्दी वाला गाना भी सुनता है। तो फिलहाल हमारे पास, वो अपने लिए सुनता है बस। अभी फिलहाल मेरे पास सब कुछ है, ये देखो रेडियो वेडियो सब है, लेकिन हम लोग बजा नहीं रहे हैं क्योंकि ये मैं थोड़ा अकेले में सुनता हूँ। ये अकेले में सुनते हैं, इसी वजह से मैं बना, क्या कहूँ, क्या कहूँ। कौन सा गाना सुनते हो, कोई गाना, एक एग्जांपल। ये सुनता, चलो उड़े चलो रे पंछी तेरा देश हुआ बेगाना। हाँ हाँ, क्या बात है। ये देखो ट्रक मोड़ रहा है, बुड्ढे ने गाड़ी रोक दिया है, नहीं तो कहीं ठोक ओक देगा तो बहुत झमेला हो जाएगा, सुरता उड़ता आ जाएगा, बेवजह हम लोगों को यहाँ पे एक दो घंटा बैठा के रखेगा। अरे नहीं सुरता, 4 इंडिकेटर दिया है, बुड्ढा भी पीछे भी गाड़ी है, और देखो कैसे ये निकालता। ये है ड्राइवर है, लेकिन मैं भी लगता मौत के करीब आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन बच गया है, बुड्ढा राइडर है, अल्लाह का शुक्र है। ये कितना साल हो गया चाचा आपको यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए? लमसम दस साल ये चाचा को हो गया गाड़ी चलाते हुए। पहले ये एक कानी उंगली से चलाते थे ना, अभी ये पांचों हाथ से चला रहे हैं। दो हाथ तो है, तीन हाथ पता नहीं कहाँ पे होंगे इसके, ये तो हम बता नहीं सकते भाई। ये यहाँ का नज़ारा देखो, कितना खूबसूरत मंजर है। ये पता नहीं कौन है, ये पिकअप वाला भोसड़ी का इधर रोक के रखा है रोड पे। अरे वो जगह जो हो रहा है, जगह हमारा है, मेरे को बेचने। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये हरे हरे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा भी है। अरे यहाँ पर मैं बैठे वाला बनाया हुआ, ये मेरे चाचा का पहले यहाँ पे वो था, मैरिज हॉल था कि क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे इस तरह बोलते हैं ना, इस तरह हमारे बीबी के नाम से था। बीबी के नाम से, बीबी का नाम क्या था? हमारे बीबी के नाम केहुली, केहुली, केहुली नाम था। पता नहीं कहाँ से कोहली करके आई थी, उसका नाम केहुली पड़ गया। कोई बात नहीं चाचा, अभी हम लोग किस रोड पे है इस समय? हम टाइप वाली रोड पर है। टाइप वाला तो यूटर्न मार के जाओगे ना। हाँ, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, ये अभी तो ये टाइप वाला रोड पर है। ये देखो गाइस, आगे बहुत बड़ी ट्रक है, उसमें दो बम है, परमाणु बम है, कौन सा बम है? पागल, गैस वाला वो टंकी है। ओ, गैस वाली टंकी है। सॉरी यार गाइस, मेरे को चश्मा लगाया हूँ इसीलिए दिखता कम है, इसीलिए मैंने बम बता दिया था। तो ये हमारे चाचा पूरा हैवी ड्राइवर है। तकरीबन स्पीड कितनी है चाचा? 100 हाथ आपका आ रहा है। अरे हाथ मत लो। हाँ चलो ठीक है। अरे 20 की स्पीड में चल रहा हूँ, 20 की मान के चलो, ये 20 की स्पीड है। ये देखो हमारे चाचा की सब गाड़ियाँ लद के जा रही है प्लेटफार्म पर, वहाँ पे अभी लैंडिंग होगी है ना। हाँ,
अभी मेरे को दो शादियाँ करना है। अभी इनको दो शादियाँ भी करना है और बच्चे कितना है? बच्चे एक भी नहीं है इसीलिए दो शादी चाचा करेंगे। इनको मुबारकबाद देने के लिए अगली वीडियो को फॉलो करना, ठीक है गाइस। ये हमारे चाचा हैं, ये इनका स्पीड में बहुत तेजी में गाड़ी भगा रहे हैं, लग रहा है इनको जोश चढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे नहीं, पहुंचा दूंगा। कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं हमेशा के लिए पहुंचा देंगे तो अच्छी बात है। ये हमारे चाचा जान है, ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं बस खाली एंजॉय करने के लिए, दिल पे कोई मत लेना। पहुंचा दूंगा तो तेरे परिवार के लिए वो हम प्लाट लिख दूंगा। देखा, अगर मुझे हमेशा के लिए हो क्या बात है, वेरी नाइस, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यहाँ का ऊंट है। इसे अरबी में हम लोग क्या बोलते हैं चाचा को भी नहीं मालूम है, जमल बोलते हैं। तो ये ऊंट है यहाँ पे खूबसूरत है। वो क्या खा रही है, लग रहा है चिकन मुर्गी खा रही है, नहीं घास खा रही है, घास खा रही है यार, तुम भी कमाल करते हो। ततुर का पेड़ खा रही है। तो चाचा मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम 120 की स्पीड में चला रहे हो? 20 की स्पीड है, 120 नहीं दे पागल। अगर 120 की स्पीड में कैमरा कितने पे है यहाँ पे? 20 की स्पीड के ऊपर 30 पर है। 130 पे कैमरा आएगा? नहीं 30 पर आएगा, 30 पे। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे स्टेडियम पे पहुँचने वाले हैं। ये देखो स्टेडियम, देखो दूर से देखो दिख रहा होगा चील की निकाह से, आप लोग देखिए थोड़ा। तो अभी हमारा चाचा ये गाड़ी को थोड़ा ओवरटेक करोगे? नहीं ओके, कोई बात नहीं गाइज। ये हमारे चाचा है, बहुत पुराने ड्राइवर है, हाईवी ड्राइवर। ये देखो स्टेडियम सामने दिख रहा है, यहाँ पे हम चाचा कल आएंगे मैच खेलेंगे, नहीं है ना? नहीं मैं मैच नहीं खेलता हूँ, मैं तो खुद पार्टी बुला के खिलवाता हूँ। अच्छा, ये मतलब पार्टी खुद बुलवा के खिलवाते है? ये मान के चलो ये बहुत बड़े वो है, बिजनेस मैन है ना? किस चीज का आपका कारोबार है चाचा? हर चीज के। किस चीज का फिर भी? अरे हर चीज के, लोहा लक्कर खाने पीने वाला हर चीज के बिजनेस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम जमीन ले लियो, कुबरी पे चढ़ रहे हो चाचा? हाँ, इसलिए कि ये टन लेकर कंपनी में चलना है। ओहो, तो गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको कंपनी चाचा की दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लो, ये एक रूम पड़ा हुआ है, बेचारा कोई अजनबी शायद इसमें होगा, उसको मैं जाके जगाऊं कि ना जगाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जगाऊं मत, भिखारी। और सामने देखो एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, बेचारा लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन हम लोग कहीं और जा रहे हैं, सॉरी यार, नहीं तो आपको बैठा लेते। ये देखो थोड़ा करीब आ गए हैं स्टेडियम पर, देखिए। और ये चाचा हमारे यूटर्न ले रहे हैं, यमीन एसार राइट लेफ्ट सब देख कर बहुत बेहतरीन गाड़ी चला रहे हैं, एकदम बीचों बीच लाइन पे चला रहे हैं, ना यमीन चला रहे हैं ना एहसास चला रहे हैं, मानना पड़ेगा ड्राइवर हाईवी है। और ये चाचा की जमीन थी पहले, तो अभी ये बेच दिए हैं, है ना? क्या करेंगे, कोई क्या करेंगे, कोई है नहीं, बच्चे उच्चे है नहीं, तो इतनी जमीन लेकर क्या फायदा। तो कोई बात नहीं, अभी हम चाचा से पूछ रहे हैं कि ये जा कहाँ रहे यूटर्न लेकर, चाचा कहाँ पे जा रहे हो? मैं चल रहा हूँ भिखारी लोग का मुर्गी बांटने। चाचा अभी जा रहे हैं भिखारियों को मुर्गी बांट रहे हैं। तो भिखारी कैसे वो है, वो तो दोस्त है तुम्हारे ना? है? वो तो दोस्त है ना? अरे तो हदिया किसको दिया जाता है? तो हदिया तो गरीब को देते हैं। हाँ, तो सारे गरीब है तभी तो। नहीं तो भिखारी कौन है? भिखारी वही लो, इंडिया में भिखारी बोला जाता है, यहाँ तो हदिया बोला जाता है। अच्छा, तो गाइज ये मतलब फ्रेंड है चाचा का, कहना मतलब ये है कि इनके जो जितने दोस्त हैं, मुझे नहीं है, बेनबी है सब, बेनबी यानी बेअजनबी। हाँ बेअजनबी है, तो बेअजनबी फ्रेंड हैं इनके, तकरीबन कितने हैं? कम से कम जितने मिल जाएंगे उतने बांट देंगे, 150 मुर्गी बांट देंगे। 150 मुर्गी नहीं बांटेंगे, तब भी 10 से मुर्गी 5 मुर्गी बांट देंगे। इनके जो दोस्त हैं ये उनको नाम अलग अलग है, लेकिन उनको ये क्या बोलते हैं भिखारी नाम रखे हैं ये अपने से, क्योंकि वो जो जितने दोस्त हैं वो मुझे छोड़ कर मैं भी दोस्त हूँ, मुझे छोड़ कर बाकी ये मुर्गी कहाँ बांटने जा रहे हैं, अभी हम देखते रहते हैं।
कौन है इनका दोस्त। तो फिलहाल अभी हम स्टेडियम पे जा रहे हैं, अंदर जाए स्टेडियम अभी चलना है कि रात को? नहीं, रात अभी उसमें गर्मी में क्या करेंगे। अच्छा, अभी गर्मी बहुत है यहाँ पे, धूप है, धूप देखो देखो, धूप बहुत है और रास्ता मेरे ख्याल से बहुत है बे उसके आगे तो पता नहीं क्या बोलूं, रास्ता को खराब बोलते हैं लेकिन बहुत बेकार खरबान बोला जाता है। हाँ, अरबी में तो खरबान बोलता है। अरबी में खरबान बोला जाता है, इंडिया की भाषा में खराब। तो चाचा हमारे यहाँ पे वैनट चलाते हैं, वो भी डीजल वाली है, गियर वाली सब गाड़ी है ये, लेकिन कहते हैं बहुत हम हैवी राइडर से चलाते हैं। मानना पड़ेगा चाचा को, दिल से सलाम करता हूँ मैं कि ये जो अभी मुर्गी लिए हैं जा रहे हैं किसी को बांटने के लिए, मतलब बंदे लोगों को पेट भर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि मतलब तुम्हें ये कैसे ख्याल आया कि मैं जाके अपने दोस्तों को मुर्गी दूँ? मैंने सबाब के काम करने जा रहा हूँ, किसी को परेशान करने नहीं जा रहा हूँ, जो मिलेगा उसको दे दूंगा, तो मेरे लिए दुआ देंगे। तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो तो सामान आप किसी मतलब जैसे जईब को दे सकते हैं, यानी जैसे किसी गरीब इंसान को। अब क्या अमीर के थोड़े दूंगा। तो तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं वो माशाल्लाह अगर देखा जाए उनके 1600 1700 1800 रियाल उनकी तनख्वाह होगी, वो कैसे गरीब हुए? मान लो कि जिसको जो सौभाग में है उसका ड्राइवर है, उसका 1500-1600 है, 500-600 रियाल वो खाई जाते हैं, तो उसके परिवार के कितना बत्ता होगा? 1000 में उसके 10 आदमी का खर्चा उसका कैसे चलता होगा? अच्छा, तो मतलब आप उनके परिवार के लिए कर रहे हैं? मैंने इसको दूंगा तो ये 2 दिन बना के अपना खाएंगे, 2 दिन का वो पैसा बचा कर वो परिवार को भेज देंगे। तालियां तालियां, आप लोग जरा तालियां मतलब दीजिए, परिवार भी दुआ देगा। ये देखो, ये गाड़ी जो बहुत पुरानी दिख रही है, किसकी गाड़ी लग रही है ये? अरे कोई भिखारी की होगी। ये भी कोई भिखारी की गाड़ी लग रही है। मेरे ख्याल से हम लोग रसीदिया आ गए हैं, यहाँ पे ये रसीदिया नाम है सराया का, है ना? नहीं, किसने बोला हुआ कि रसीदिया? ये देखो, एक मोबाइल लेकर ये भी बैठा है, पता नहीं कौन है, बंगाली है। बंगाली है? हाँ। तो इसी को दे देते मुर्गी। मेरा ब्लॉग में कम से पब्लिक जो हमारे फ्रेंड लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, वो देखते हैं कि हाँ तो आपने मुर्गी बांटी है। ये नहीं लेता है। ये नहीं लेता है क्यों? ये अमीर है। अच्छा, देखो गाइस, वहाँ पे फिर सब लोग काम कर रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे, मजदूर हैं बेचारे, धूप में इतनी धूप में काम करते हैं। हम लोग तो ड्राइवर हैं, एसी में रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं। हाँ, तुम तो, मैं तो भूल गया था, सॉरी। ये भाई नहीं, चाचा ये ड्राइवर नहीं है, ये बिजनेस मैन वाले हैं। मैं अपने जरूरत पर मैं लेकर गाड़ी जाता हूँ। हाँ, तो ये ब्रेकर है तो इसमें क्या करोगे, चक्का को उठा के लेके जाओगे? उठाओगे? तो गाइज क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता मुझको। अभी पता नहीं ये चाचा पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये देखो, ये पहाड़ है, बहुत छोटा पहाड़ है। अरे मैंने अपना पूरा प्लाट दिखा रहा हूँ, ये भी मेरा प्लाट है। अच्छा, ये जो बन रहा है? हाँ, यहाँ पे बन नहीं रहा, ये पूरे खाली वाला हमारा है। तो ये जो हरी हरी घासें हो गई है, ये सब मेरा। ये जंगल कैसे हो गया, कभी साफ नहीं करते क्या? बब्बूर के पेड़ है। अच्छा, ये है बात। तो अभी हम लोग शायद हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, क्योंकि सामने ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल है। पागल है तू, हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा सॉरी यार, ये हॉस्पिटल नहीं है, कुछ और है ये, मेरे ख्याल से बिल्डिंग है। यहाँ पे भाड़े पर रहते हैं, रहने वाले हैं, भाड़े पर नहीं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत है, मस्जिद है। ये है रसीदिया, कितना नंबर है ये? हाँ, इसको लोग 2 नंबर बोलते हैं, रसीदिया। ये 2 नंबर है मक्का सराय का, उसे लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब बोलते हैं, मतलब है नहीं, आप समझ लो, नहीं होगा तो किसे लोग बोलते हैं। हाँ, ये भी बात सही है।
तो अभी हम कहाँ बहुत दूर पहुँच गए हैं लग रहा है। ये देखो थोड़े दूर फ्रेंड, ये गार्डन है फुटबॉल खेलने वाला। अभी हमारे बच्चे लोग नहीं आए खेलने, हो सकता है कल आए। शाम को सब आते हैं, शाम को आएंगे खेलने, 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद। तो चाचा एक बात बताओ, सऊदी में तुम्हें कितना साल हो गया है? बोला तो 50 साल से। 50 साल से आप इधर हो, और मैं सुना हूँ कि तुम इधर उधर रूम पे जाके खाना मतलब खाते हो। तुम कहते हो कि मैं बांट रहा हूँ खुद, मैं खुद ही लोग के खिलाता हूँ, तो मैंने किसके रूम पर जाऊँगा? मैं तो खुद होटल से खाता हूँ। चलो मान लिया कि तुम होटल से खाते हो, तो मान के चलो एक महीने में कितना खर्चा कर देते होगे? अरे हमारा कोई भरोसा है कि कितना खर्चा हो जाएगा? 600-700। पागल है, सिर्फ मैंने तो कैफेटेरिया वाले के 10,000 रियाल देता हूँ। सुने गाइस, लग रहा मेरा चैनल बढ़ते जाएगा, ये 10,000 रियाल जो महीना में मैं 30,000 का मुर्गी लोग के बांटता हूँ, मैं क्या पागल है नियर तो बात। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनके इधर जा रहे हो जो अभी फोन किए थे भाई साहब? अरे जो फोन किया था कि मेरे को मुर्गी देना, उसी के रूम पर आ गया हूँ। ओके भाई, नेक्स्ट ब्लॉग में हम आएंगे, दोबारा मिलेंगे चाचा के साथ, रब्ता करेंगे किसी दिन गार्डन में। नहीं किसी दिन नहीं, अभी अल्लाह हाफिज अभी।